हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। तो ये बैक टू बैक सीरीज चल रही है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पार्ट्स इसके जो थे फर्स्ट टू फोर या फिफ्थ तक जो है इसके पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आपको उसे देखना है, फिर इसे फॉलो करना है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम तैयारी करते हैं UPTET, CTET, KVS, NVS, DSSSB, HTET, RTET और ऐसे सारे राज्यों के जो TT प्रश्न पत्रों की। अगर आप भी एक लर्निंग स्टूडेंट है, पढ़ने में आपको क्रेज है, तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें जरूर बताएं। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है उन्हें दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको करनी है पॉज, क्वेश्चन को मन में रीड कर लेना और फिर वीडियो को चलाना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, कक्षा में शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए सदैव लड़के एवं लड़कियां दोनों को जो है वो एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, यानी कि दोनों के साथ जो है वो एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी कक्षा में शिक्षक जो है लड़के लड़कियों में भूमिका है जो उसके भेदभाव कर रहा है ना। तू लड़की है तो भाई देखो तुमको खाली नॉर्मल बैठने वाली चीज़ें खेलनी है, कैरम हो गया या चेस बोर्ड हो गया, बस ये सारी चीज़ें खेलनी है, प्लेग्राउंड में आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में जो है ना अपारंपरिक भूमिकाओं जो है वो रखनी चाहिए, भेदभाव जो है वो ना नहीं करनी चाहिए। पारंपरिक और अपारंपरिक में यही डिफरेंस है। देखिए, पारंपरिक भूमिकाएं क्या हो जाती है, जो पहले से चली आ रही है भूमिकाएं, पहले बायसनेस थी, पहले गर्ल्स को बताया जाता था कि तुमको यार घर का काम करना है, बॉयज़ को बताया जाता था तुमको भाई बाहर से सामान ला के देना है गर्ल्स को और बाहर का तुमको काम करना है, पढ़ना वगैरह है, स्टडीज़ वगैरह है, एंड दीज ऑल द थिंग्स। और अपारंपरिक भूमिकाएं यानी कि अब जो हम ये कर रहे हैं कि भैया दोनों के अंदर बायसनेस नहीं करनी है, गर्ल भी वही है बॉय भी वही है, तो दोनों को भी समान अवसर देना चाहिए, तो अपारंपरिक भूमिका है ना। पारंपरिक जो पहले से चलती आ रही है, अपारंपरिक यानी कि अब जो है उस टाइप से उनको बिहेव नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। यहाँ पे आपका वी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है, तो ये संकेत क्या करता है। तो ये जो है वो अध्यापिका के किस गुण को जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन कर रही है, या फिर भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या फिर लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करी, या फिर लिंग से पूर्वाग्रस्त है। तो यहाँ पे वो ना किसी वर्ड के बारे में बात हो रही है, किसी बॉय या गर्ल के बारे में नहीं, तो लिंग रूढ़िबद्धता यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे उसने एक सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है, सभाध्यक्ष का अर्थात भी वही होता है, लेकिन वो क्या वाणी जो वो सभापति यहाँ पे हो जाएगा। एग्जैक्टली ये पुलिंग शब्द है ना, ये मेल जेंडर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सभाध्यक्ष ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सामान्य एक शब्द है जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना इसके अंतर्गत पुलिंग या स्त्रीलिंग दोनों के अंदर आ जाता है। तो वो जो है ना अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग यहाँ पे कर रही है। लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना इन ए सेंस वहाँ पे वो इंडिकेट नहीं करना चाहती है कि भाई ये फीमेल है या मेल है, बट वो उस भाषा का प्रयोग कर रही है जिससे पता चले कि हाँ ये जो है वो सभापति नहीं, ये सभाध्यक्ष है। क्योंकि ये इस चीज़ से सीधे पता चलता है कि सभापति इन ए सेंस क्या हो गया, मेल के लिए यूज़ किया जाता है और फीमेल के लिए अलग से बोला जाएगा, तो उससे अच्छा है कि सभाध्यक्ष बोला जाए, तो दोनों के लिए भी, और ये बेटर वर्ड भी है, सभाध्यक्ष बोलना बेटर देन दिस। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाणी दोष नहीं है, तो एग्जैक्टली ये क्या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा वाणी का दोष क्या नहीं है, तो ध्वनि परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण, ये एक अस्पष्ट उच्चारण हो सकता है वाणी का दोष। धीमी या तेज गति से बोलना बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता है। कोई बच्चा जो अगर धीरे से बोल रहा है या बहुत तेजी से बोल रहा है, तो वो उसके अंदर कोई वाणी दोष नहीं है, वो अपनी स्पीड के हिसाब से बात कर रहा है। हकलाना या तुतलाना जो है वाणी का दोष हो सकता है, तीव्र अस्पष्ट वाणी भी जो है वाणी दोष के अंतर्गत आती है, लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना जो है वाणी का दोष नहीं हो सकता है। तो क्या पूछा है, वाणी का दोष नहीं है, तो धीमी या तेज गति से बोलना है वाणी का दोष नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, तो देखिए भाषा अवबोधन से संबंधित विकार जो है वो भाषाघात है, यानी कि अफेजिया हम कह सकते हैं इसे, भाषाघात है ना। मस्तिष्क का एक ऐसा ही विकार है जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो बोलने लिखने और बोले हुए लिखे शब्दों को समझने और प्रकट करने में अनियमितता और अस्पष्टता और स्थायी विकार जो है उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर भाषा अवबोधन का जो विकार है वो उत्पन्न होता है। तो भाषाघात, अफेजिया, यही आपका डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ एवं व म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर,
न कर पाना अधिगम की समस्या से संबंधित है। तो ये हम सबको पता है कि भाई उसे जो है जब बालक को किसी भी ध्वनि का प्रत्यक्ष ढंग से जो प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाएगा तो ही तो वो उन ध्वनियों के अंदर अंतर नहीं कर पाएगा। या अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है जैसे अस्पष्ट ध्वनि, अवधान की कमी, समझ का स्तर इत्यादि। हम बोलते हैं कई बार क और बच्चे सुन लेते हैं ब या फिर ख तो लिख देते हैं ब और ख, लेकिन जब उनकी कॉपी चेक की जाती है तो उनको पूछा जाता है तो बोलते हैं टीचर हमने तो यही सुना था। तो भाई उनके अंदर ये हो सकता है कि अस्पष्ट ध्वनि या फिर अवधान की कमी हो, समझने की लेवल जो है फिर वो, या फिर उस टाइम पर उन्होंने सुना ना हो, तो इस टाइप की जो है समस्या कर सकते हैं। रादर देन वो अगर प्रत्यक्षीकरण अगर वो प्रत्यक्ष देख के लिखेंगे तो वो उसे इतना रॉन्ग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि? प्रतिभावान बालक की पहचान देखिए अवलोकन के द्वारा नहीं की जा सकती क्यों? क्योंकि अवलोकन की जो है ना वो वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं होती है। यहाँ पे अवलोकन की कोई वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं बनी है और अवलोकन जो है वो व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। तो देखिए अवलोकन जो है ना यहाँ पे एग्जैक्ट क्या पूछा है, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्यों? क्योंकि देखिए प्रतिभावान बालक को ना एग्जैक्टली उसको देखने के लिए परखने के लिए ना ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली नियम बनाए कि भाई यही उसके अंदर है तो फिर वो प्रतिभावान है अदरवाइज नहीं है। उसको ना ये एक व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है तो जो बिल्कुल कोई व्यक्ति विशेष है उसे आराम से बात करते वक्त भी उसे पहचान सकता है कि हाँ ये प्रतिभावान बालक है। अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। तो भाई विशेषज्ञ जो होते हैं ना वो अवलोकन करने में एकदम बेस्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ ये प्रतिभावान बालक है, उनकी बातों से उन्हें समझ में आ जाता है। तो उपरोक्त सभी जो है ना, उपरोक्त में से सभी, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उनका अवलोकन द्वारा नहीं किया जा सकता क्यों? देखिए प्रतिभावान बालक की पहचान जो है अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि उसके अंदर कोई वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं बनी होती है कैसे उन्हें पहचानना है। ये अवलोकन जो है वो व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसे पहचाना जा सकता है आराम से। अवलोकन जो है वो सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, तो ये भी एक पॉसिबल थिंग है। तो उपरोक्त में से सभी जो है यही ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो डी आपका एकदम सही है आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण है? तो भाई गिफ्टेड यानी कि गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं उन मेधावी होने का जो उनके अंदर लक्षण है वो एग्जैक्टली क्या है? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वाचलता या फिर अति सक्रियता। तो देखिए जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसमें से हमको आंसर देख के यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हैं इसमें से हमें मार्क करना है। तो चलिए देख लेते हैं, जो यहाँ पे बच्चे होते हैं वो अभिव्यक्ति में नव्यता उनके अंदर होती है, यानी नवीनता, कुछ भी एक्सप्रेस करने में उनके अंदर नवीनता आ जाती है, क्रिएटिव होते हैं वो, न्यू थिंग्स को बोलते हैं। उनके अंदर जो होता है ना जिज्ञासा का भी गुण बहुत होता है, उनके अंदर जिज्ञासा भी होती है, वाचलता, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बोलने वाले हों, और हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ड भी हो। मोस्टली जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं इंट्रोवर्ड भी मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे वाचलता नहीं होगा। अति सक्रियता यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिवनेस होती है, तो वो एक हाइपर स्टूडेंट के अंदर होती है, ना कि प्रतिभावान गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है। तो अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो ए और बी यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड आपका किस ऑप्शन में है। फर्स्ट और फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ है, सेकेंड एंड थर्ड है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड यही ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि है अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो हम सबको पता है भाई कि प्रतिभावान अगर बालक है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 130 प्लस होती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि 130 लिख के आ जाना, 130 प्लस का मतलब 130 प्लस के ऊपर जो ऑप्शन दिया है वही आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे 130 के ऊपर कौन सा ऑप्शन है, 140, तो यही आपको मार्क करना है।